हेलो इंजीनियर्स, 300% तो आज आपके लाए हैं एक ड्रोन जो कि आप आसानी से घर पे असेंबलिंग कर सकते हैं और इसका जो पार्ट्स वगैरह है सब कुछ आपको मिल जाएगा flyrobot.in से। आपको वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक मिल जाएगा, वहां पे जाके क्लिक करके आप आसानी से इसको खरीद सकते हैं और खरीद के आप घर पे इसको असेंबलिंग करके आप चला सकते हैं। तो ये रिमोट के माध्यम से ये उड़ता है और सब कुछ कंट्रोल इसको किस प्रकार से असेंबलिंग करता है, इसका सॉफ्टवेयर किस प्रकार से इसके अंदर डालना पड़ता है, सब कुछ आपको इस वीडियो में मिल जाएगा। तो चलिए देखते हैं आज का ये वीडियो। LTM.com, यहाँ पे आप लोग आसानी से स्केमिक बना सकते हैं, पीसीबी डिजाइन कर सकते हैं, किसी भी प्रकार के गड़बड़ फाइल, बोम फाइल, ये सब कुछ आसानी से क्रिएट कर सकते हैं इस सॉफ्टवेयर पे। इस सॉफ्टवेयर के ट्रायल के लिए नीचे दिए हुए लिंक पे क्लिक करें। देखिए ये जो आर्डियोकॉप्टर जो सेंसर है इसके साथ हम लोग ये जो सेंसर इसको फिट करना पड़ेगा। ये सेंसर एक्चुअली रिमोट का जो कि RX है, मतलब रिसीव का जो है वो रिमोट का रिसीव करेगा। इस पर हम लोग यूज़ कर सकते हैं टोटल 6 चैनल, मतलब 6 चैनल हम लोग यूज़ कर सकते हैं। तो इसका जो आउटपुट होगा, आउटपुट से हम लोग इसका जो इनपुट, यहाँ पर इनपुट लिखा आ रहा है, देखिए यहाँ पर छोटा करके इनपुट है, तो इनपुट पर हम लोग कनेक्शन करेंगे। इसके आउटपुट इसके इनपुट होगा, लेकिन इनपुट का कनेक्शन जो है वो हम लोगों को देखना पड़ेगा। यहाँ पे ऊपर की तरफ जो पिन होगा, सभी पिन डाटा पिन है, मीडियल का पॉजिटिव है और लास्ट का जो के है नेगेटिव। तो इस तरह हम लोग इसका कनेक्शन करेंगे। तो करने के बाद अभी दूसरी तरफ होगा आउटपुट, तो आउटपुट पे हम लोग लगाएंगे जो ड्रोन का जो कि मोटर है, मोटर का सेंसर का कनेक्शन हम लोग आउटपुट पे लगाएंगे। लगाने के बाद ये काम करेगा। आउटपुट पे भी सेम ही है कनेक्शन, ऊपर की तरफ डाटा है, मिडियल पे जो कि पॉजिटिव और लास्ट में ग्राउंड है। और इस पर और एक कनेक्शन है, यहाँ पे हम लोग जो कि इसका पावर सोर्स हम लोग लगाएंगे यहाँ पर। और GPS अगर होगा तो GPS का कनेक्शन यहाँ पे लगाना पड़ेगा, और GPS का जो पावर मॉड्यूल है, पावर को हम लोग इस तरफ लगाना पड़ेगा। और इसका जो USB पोर्ट है, USB पोर्ट के साथ हम लोग कनेक्शन करके जो कि कंप्यूटर के साथ सॉफ्टवेयर को इसके साथ कनेक्शन कर सकते हैं। तो ये सेंसर बेसिकली यही काम करते हैं। और यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं, यहाँ पर एक एरो इसमें दे रखा है, मतलब फॉरवर्ड, मतलब इस तरफ फॉरवर्ड होगा। तो अगर हम लोग सेंसर को इस तरफ लगाएंगे तो ड्रोन इस तरफ जाएगा, मतलब इस तरफ फॉरवर्ड होगा, इस तरफ बैक होगा। तो इस प्रकार से हम लोग इसका जो कि कनेक्शन कर सकते हैं। तो अभी आप लोग देख सकते हैं ये ड्रोन का जो बेस है वो कंप्लीट हो गया है। यहाँ पे 4 हमने मोटर लगा दिया है जो कि BLDC मोटर है। इसका जो स्पीड है वो आप लोग 1000 kV से ऊपर भी लगा सकते हैं या 1000 kV भी लगा सकते हैं। तो इस मोटर के वजह से हम लोग इसको उड़ाएंगे और इस पर प्रोपेलर लगाएंगे। तो अभी इसके ऊपर एक सेंसर लगाना पड़ेगा जो कंट्रोल करेगा पूरे ड्रोन को। तो ये आर्डियोकॉप्टर इसका सेंसर का नाम है, ठीक है। तो इसके अंदर बेसिकली बहुत सारे जो कि सर्किट वगैरह रहता है, मतलब इसके अंदर सेंसर वगैरह बहुत कुछ रहता है। इसके अंदर हम लोग डायरेक्ट GPS भी कनेक्शन कर सकते हैं और इसको हम लोग इसके अंदर लगा के इसको फिट करेंगे। करने के बाद इसका जो USB पोर्ट है, USB पोर्ट से हम लोग कंप्यूटर के साथ कोलाबोरेशन करेंगे। करने के बाद इसका काम कंप्लीट हो जाएगा। तो वो किस प्रकार से करते हैं आइए देखते हैं। तो चलिए कंप्यूटर पे चलते हैं। तो अभी हम लोग ड्रोन को प्रोग्रामिंग करेंगे, मतलब कंप्यूटर के साथ कैलिब्रेशन करेंगे।
तो इसके लिए सबसे पहले हम लोगों को एक सॉफ्टवेयर डाउनलोड करना होगा। आप गूगल से आसानी से डाउनलोड कर सकते हैं। सॉफ्टवेयर का नाम है मिशन प्लानर। तो मिशन प्लानर मैंने डाउनलोड कर दिया है, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं मिशन प्लानर। तो इसको हम लोग अभी इंस्टॉल करेंगे। तो इंस्टॉल में क्लिक कर दिया। इसका कंप्यूटर के साथ डाटा केबल को हम लोग इसको अटैच करेंगे। तो अभी ये इंस्टॉल हो गया है। अभी कॉमन पोर्ट को हम लोग सिलेक्ट करेंगे। करने के बाद हम लोग इसको कनेक्ट करेंगे। अभी कनेक्ट होने में थोड़ा टाइम लगेगा। कनेक्ट होने के बाद ओके देंगे। उसके बाद हम लोग जो कि सेटअप पे जाएंगे। जाने के बाद मैंडेटरी हार्डवेयर पे क्लिक करेंगे। यहाँ पे बहुत सारे ऑप्शन आ जाएगा। तो पहले हम लोग फ्रेम टाइप पे क्लिक करेंगे। करने के बाद फ्रेम को हम लोग सिलेक्ट करेंगे। उसके बाद हम लोग एक्सेल कैलिब्रेशन पे क्लिक करेंगे। यहाँ पे हम लोगों को यहाँ पे क्लिक करके, तो यहाँ पे लिखा रहे लेफ्ट साइड पे, तो हम लोग लेफ्ट साइड पे क्लिक करेंगे। उसके बाद फिर से क्लिक करने के बाद राइट साइड आएगा। राइट साइड पे हम लोग क्लिक करेंगे। तो राइट साइड पे क्लिक होने के बाद हम लोगों को फिर से क्लिक करना है। उसके बाद क्लिक करने के बाद डाउन आएगा। तो ड्रोन को हम लोग डाउन पे कर देंगे, मतलब नीचे की तरफ करके क्लिक करेंगे। उसके बाद दिखाएगा ऊपर की तरफ इसको करना है, तो ऊपर की तरफ करके भी हम लोग इसको क्लिक करेंगे। उसके बाद इसका जो ड्रोन है उसको उल्टा करके हम लोगों को रखना होगा। तो उल्टा करके हम लोग फिर से क्लिक करेंगे। तो यहाँ पे कैलिब्रेशन सक्सेसफुली आ गया है। तो अभी हम लोग कंपास पे क्लिक करके हम लोग नेक्स्ट पेज में जाएंगे। उसके बाद यहाँ पे लिखा रहा है लाइव कैलिब्रेशन। तो लाइव कैलिब्रेशन पे क्लिक करके हम लोग इसको लाइव कैलिब्रेशन कर सकते हैं, या फिर आप आसानी से यूट्यूब एग्जाम्पल पे जाके आप देख सकते हैं किस प्रकार से ये करता है। तो यहाँ पे क्लिक करने के बाद दूसरा एक पेज आएगा। यहाँ पे ड्रोन को चारों तरफ हम लोगों को मूविंग करना होगा। तो एक एक करके कलेक्ट होने के बाद ओके आ जाएगा। तो हम लोग ओके पे क्लिक कर देंगे। इसके बाद हम लोग जाएंगे रेडियो कैलिब्रेशन पे। तो रेडियो कैलिब्रेशन पे जाके हम लोग को जो रिमोट है इसको ऑन करना होगा। ऑन करने के बाद हम लोगों को सारे जो बटन है उसको मूविंग करके इसके साथ कैलिब्रेशन करना होगा। सारे मूविंग करके हम लोग को इसको एडजस्ट करके हम लोगों को ओके देना होगा। उसके बाद हम लोग जाएंगे फ्लाइट मोड पे। तो फ्लाइट मोड पे जाके हम लोग इस प्रकार से सेट कर देंगे। यहाँ पे जिस प्रकार से मैंने सेट किया है उसी प्रकार से सेट करके सेव कर देंगे। तो अभी आप लोग देख सकते हैं रिमोट को हम लोग आर्म करेंगे, मतलब ये जो ड्रोन है इसको आर्म करेंगे। आर्म करने के बाद ये ऑन हो जाएगा। ये फ्लाइंग नहीं करेगा, सिर्फ ऑन होगा। तो अभी कंप्यूटर पे आप देख सकते हैं यहाँ पे डिसआर्म लिखा आ रहा है। तो जब ये रिमोट का जो जो कि लेफ्ट साइड का जो बटन है उसको हम लोग इस तरफ करेंगे तो देखिए ये आर्म हो जाएगा। तो अभी ये आर्म हो गया है। तो कंप्यूटर पे आप दिख रहे हैं इसको आर्म हमने कर दिया है। तो अभी दूसरी तरफ करेंगे तो ये डिसआर्म हो जाएगा। तो दूसरी तरफ करने पर ये डिसआर्म हो जाएगा। तो ये अभी डिसआर्म हो गया है। और कोने में, कंप्यूटर के कोने में यहाँ पे आप देख सकते हैं स्टेबलाइज लिखा रहे। तो इसको हम लोग 80 होल्ड करेंगे। तो यहाँ पे अगर रिमोट का जो ये बटन है इसको हम लोग जब भी बढ़ाएंगे तो ये 80 होल्ड मोड पे चला गया है। देखा आपने, 80 होल्ड मोड पे चला गया है। अभी स्टेबलाइज पे हम लोग रनिंग करेंगे तो स्टेबलाइज पे उल्टा करेंगे, स्टेबलाइज हो जाएगा। तो ये दोनों बटन से हम लोग ऑन ऑफ करेंगे और इसके इसके जरिए हम लोग मूविंग करेंगे, ठीक है। और इसको जब भी रनिंग करेंगे तो ये रन हो जाएगा मोटर। तो अभी आपको दिखाते हैं बैटरी को कनेक्ट करके। तो ये जो बैटरी है इसको हम लोग अभी कनेक्ट करेंगे। तो यहाँ पे हमने कनेक्ट कर दिया अभी। तो ये साउंड आ गया है चारों मोटर का। तो अभी हम लोग इसको आर्म करेंगे। तो अभी ये आर्म हो जाएगा, सिर्फ आर्म हो गया अभी। तो अभी जब भी ऊपर की तरफ घुमाएंगे तो सारे मोटर घूमेगा। तो अभी देखते हैं, तो सारा मोटर घूम रहा है। तो अभी हम लोग इसका जो मेजरमेंट है वो करेंगे। तो ड्रोन का जो मूविंग है वो किस प्रकार से होते हैं अभी आपको दिखाते हैं। तो देखिए ये वाला ड्रोन मैंने यूज किया है। तो दो साइड का जो एक नंबर और दो नंबर है यहाँ पे आप देख सकते हैं जो कोना कोनी है इस पर हम लोग क्लॉकवाइज जो कि एंटी क्लॉकवाइज घुमाएंगे और ये वाला तीन नंबर और चार नंबर को हम लोग क्लॉकवाइज घुमाएंगे।
देखा आपने किस प्रकार से आसानी से घर पे एक जो कि ड्रोन बना के हम लोग उड़ा सकते हैं। तो अगर वीडियो को अच्छा लगा तो लाइक जरूर कीजिएगा और अपने दोस्तों को जरूर शेयर कीजिएगा। आज के लिए थैंक यू दोस्तों, बाय।